नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार ब्लॉक आप कैसे यूज कर सकते हो, नॉर्मल कार ब्लॉक कैसे यूज करते हो, डायनामिक कार ब्लॉक आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ तीन टाइप की हमारी कार है, जिसमें साइड व्यू दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है, रियर व्यू यहाँ पे गिवन है। तीन टाइप्स की कार का नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमें कार चाहिए होती है अपने ब्लॉक्स के लिए प्लेस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डिजाइन सेंटर पे, फॉर डिजाइन सेंटर डीसी एंटर। जैसे हम डीसी एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक डिजाइन सेंटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लैंडस्केपिंग के ब्लॉक्स पे जाके हमें एक कार मिलती है, यहाँ पे सेडान कार। आप इस पे क्लिक करके और बाहर लेके आ सकते हैं कुछ इस तरीके से हम, और उसके अलावा आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी कार नहीं है। अब हम इस कार को यहाँ से मूव करके यहाँ पे रखते हैं। अब इस कार का क्या है कि सिर्फ हमारे पास साइड एलिवेशन है। अगर मुझे इस कार को टॉप से देखना हो, फ्रंट से देखना हो, रियर से देखना हो, तो किस तरीके से हम उस चीज को कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल ब्लॉक है, जो सिर्फ जो व्यू है आपके सामने सिर्फ वो ही एक व्यू है। और अगर आप इससे ज्यादा देखना चाहते हैं तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो कार ब्लॉक। तो ये काफी सारे कार ब्लॉक्स आपके जो आपको साइड टॉप और रियर फ्रंट से आपको अपनी गाड़ी को दिखाएगा, तो आप किसी भी गाड़ी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट एक होता है इनबिल्ट आपके डायनेमिक कार ब्लॉक। अगर मैं डायनेमिक कार ब्लॉक की बात करूं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, अगर मैं इससे यहाँ से मूव करता हूँ अभी के लिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल पैलेट पे। उसके लिए लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताया है, उसके लिए आप या तो कंट्रोल प्लस 3 ओपन कर सकते हैं या फिर टूल पे जाके टूल बार पे जाके पैलेट्स पे जाके टूल पैलेट्स पे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस 3 इसकी शॉर्टकट है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप आर्किटेक्चर में देख पाएंगे व्हीकल्स इंपीरियल है। आप इस पे क्लिक करें और आप अपने व्हीकल को यहाँ पे ले आए तो आप देखेंगे बिल्कुल ये वाली गाड़ी है जो यहाँ पे है। अब हम इस पे अगर क्लिक करते हैं, इस वाली गाड़ी को हम सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करके अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको यहाँ पे, अगर इसमें से बंद करता हूं, अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिल जाता है, जैसे हम इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो यही है आपकी, आपको शो करते हैं स्पोर्ट कार साइड व्यू। अगर स्पोर्ट कार टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप की बन जाएगी, टॉप आ जाएगा। थर्ड पे आप क्लिक करेंगे स्पोर्ट कार फ्रंट व्यू, तो ये देखो फ्रंट व्यू जिस टाइप का, ये आपका फ्रंट व्यू है, ऐसी आपकी बन जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करके करेंगे स्पोर्ट कार रियर व्यू, तो ये आपकी रियर व्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको आप बना सकते हैं। अगर ये वाली गाड़ी बनानी है तो आप क्लिक करें यहाँ पे सेडान साइड व्यू, तो आप देख पाएंगे ये सेडान कार का साइड व्यू आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। सेडान टॉप व्यू इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें यहाँ पे सेडान फ्रंट व्यू, इस टाइप की आपकी बनेगी। तो जिस भी क्लिक करेंगे उसी टाइप की आपकी गाड़ी यहाँ पे बन जाएगी। ये आपका एज ए डायनामिक ब्लॉक आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी। तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप डायरेक्टली गाड़ी पे क्लिक करो, अगर आपको एलिवेशन चाहिए एलिवेशन यूज कर सकते हो, सेम गाड़ी का अगर आपको टॉप चाहिए टॉप ले सकते हो, या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो कैटलॉग गाड़ी के, विंटेज गाड़ी या जिस भी टाइप की आपको गाड़ी चाहिए आपको मिल जाएगी टॉप और साइड व्यू की हेल्प से, और आप इसे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और जिसने जो भी आप न्यू यूजर्स हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों। We'll be right back.